नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है, शनिवार के दिन तीन चीजें भूल कर भी कभी अपने घर में नहीं लानी चाहिए। यदि हम इन तीन चीजों को अपने घर पर लेकर आते हैं तो ये साक्षात दरिद्रता का एक प्रकार से ये माना जाता है कि ये प्रतीक है दरिद्रता के, जिस और घर में कलह के प्रतीक है। अच्छा खासा घर परिवार चल रहा होता है तो उसमें विघ्न बाधा आनी अवश्य ही है, जिसे कोई भी नहीं रोक सकता है। तो हमें प्रयास करना चाहिए और हमेशा अपने मस्तिष्क में, अपने दिमाग में ये बात याद रखनी चाहिए कि हम कभी भी इन तीन चीजों को शनिवार के दिन नहीं लाएं, अन्य दिनों ला सकते हैं। ये तीन चीजें क्या हैं? इनमें से पहली चीज जो है वह है तेल। तेल को भूल कर भी शनिवार के दिन घर में नहीं लाना चाहिए। तेल शनिदेव को अत्यंत प्रिय है, यह इस दिन शनिवार के दिन तेल शनिदेव को चढ़ाया जाता है, तो इसे घर में नहीं लाया जाता है। माना जाता है हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कि यदि हम शनिवार के दिन तेल घर में लेके आते हैं तो ये साथ साथ हमें दरिद्रता दे जाता है और घर में क्लेश, बड़ी बड़ी विघ्न बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे कि किसी ने कोई बहुत बड़ा तंत्र यंत्र हमारे ऊपर पे कर दिया है। भूल कर भी यदि हम ले आए, हमें पता नहीं है इन चीजों को, तो अपने आप ही अच्छा खासा घर जिसका चल रहा होता है तो उस घर में मान के चलिए कि विघ्न बाधाएं आनी अवश्य ही है। तो इसलिए ये तो बहुत से लोग जानते हैं कि शनिवार के दिन तेल नहीं लाना चाहिए। जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों के लिए यह जानकारी है, क्योंकि शनिदेव को तेल अत्यंत प्रिय है, उन्हें इस दिन ये चढ़ाया जाता है। अन्य किसी दिन भी आप ला सकते हैं, लेकिन शनिवार के दिन कभी भी तेल नहीं लाना चाहिए। घर में क्लेश हो जाता है, कलह हो जाता है, शत्रु बाधा बढ़ जाती है, धन का जो आगमन होता है वह रुक जाता है, धन में कमी आनी शुरू हो जाती है और घर के अंदर एक प्रकार से ऐसा लगता है कि किसी ने काला जादू कर दिया है, कोई जादू टोना कर दिया है, मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। ऐसा हम नहीं, हमारे शास्त्र कहते हैं। दूसरी चीज है नमक। नमक भी शनिवार के दिन नहीं लाया जाता है, क्योंकि नमक बृहस्पति ग्रह की प्रिय धातु, प्रिय वस्तु मानी जाती है और शनिदेव की बृहस्पति के साथ शत्रुता मानी जाती है, क्योंकि शनिदेव पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्रदेव को, दैत्य गुरु शुक्राचार्य जिन्हें कहते हैं, शुक्रदेव को अपना गुरु मानते हैं, तो बृहस्पति के साथ शत्रुता होने के कारण यदि हम शनिवार के दिन नमक लाते हैं तो वही चीजें हमें देखने में आती है जो तेल लाने के बाद हमें देखने में आती है, यानी कि घर में दारिद्रता का आवाज होता है, अच्छे खासे घर में कलह शुरू हो जाती है, क्लेश शुरू हो जाता है, धन का आगमन बंद हो जाता है, शत्रु बाधा बढ़ जाती है और किसी न किसी तरीके से व्यक्ति खाली खाली ही, जबकि उसकी कल्पना भी नहीं करता, मुसीबतों में घिर जाता है। तो पहला तो हो गया तेल, दूसरा हो गया नमक, तीसरा हो गया काली वस्तुएं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं सिवाय वाहन को छोड़कर। वाहन भी इस दिन काले रंग का नहीं लेना चाहिए, अन्य वाहन हम ले सकते हैं। जैसे लोहा तो शनिदेव को प्रिय है, शनिवार के दिन लोग जिनकी शनिदेव की स्थिति अच्छी होती है जन्म पत्रिका में, वही लोग शनिवार के दिन वाहन लेते हैं, अन्यथा वाहन भी शनिवार के दिन नहीं लिया जाता है, क्योंकि ये ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। तो काली वस्तुएं जैसे कि काला कपड़ा है, काला जूता है, या जिन चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं जैसे काली उड़द है, तो ये चीजें भूल कर भी घर में शनिवार के दिन नहीं लानी चाहिए। आगे पीछे ला सकते हैं, शुक्रवार के दिन ला सकते हैं, रविवार के दिन ला सकते हैं, तो ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। हमारी पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि तेल हो गया, नमक हो गया, काली वस्तुएं हो गई, शनिवार के दिन घर में नहीं लानी चाहिए। ये साक्षात दरिद्रता का वास है, साक्षात शनि के प्रकोप का वास है, इससे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं और जातक को बराबर कष्ट देना शुरू कर देते हैं, उसके बने बने कार्य बिगाड़ देते हैं और उसको ऐसी स्थिति में लेके आते हैं कि व्यक्ति को कुछ सूझता ही नहीं कि वो करे तो क्या करे, तो ऐसा माना जाता है। तो ध्यान रखने वाली बात है ये, क्योंकि बहुत से लोगों को ये जानकारी नहीं होती है प्राप्त, तो हम ऐसी जानकारी आप लोगों के लिए समय समय पर लेकर आते हैं। हाँ, सिवाय वाहन जो हम लाते हैं, शनिवार के दिन वाहन लेना शुभ होता है, लेकिन उन लोगों के लिए शुभ होता है जिनकी जन्म कुंडली में शनि ग्रह की स्थिति अच्छी होती है, मजबूत होती है, तो वो भी उस दिन काले रंग को छोड़ते हुए, यदि शनि बहुत अच्छी स्थिति में है, मान के चलिए कि भाग्येश हैं,
राज्यश हैं और उच्च तुला राशि में बैठे हैं। तो ऐसा जातक अन्य ग्रह स्थिति को देखते हुए काला रंग का वाहन ले सकता है, अन्यथा शनिदेव की सामान्य स्थिति में किसी अन्य रंग का वाहन लेना शुभ माना गया है। लेकिन शनिदेव की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अन्यथा बड़े बड़े ज्योतिषियों से भी आप राय मशवरा कर लीजिएगा, लोग मना कर देते हैं। तो ये तीन चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, पहला तेल हो गया, दूसरा नमक हो गया, तीसरा काली वस्तु है, भले वो काला वस्त्र हो या काले जूते हो या काले रंग की कोई अन्य चीजें हो जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ऐसी जानकारी हमारे संज्ञान में अवश्य ही रहनी चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सकते हैं। अब मान के चले कि कोई व्यक्ति मुसीबतों से घिरा है और ये चीजें लेके आ रहा है तो भारी मुसीबतें उसके ऊपर भी आ जाएगी, और कोई व्यक्ति सुखी भी है तो अपने आप ही मुसीबतों को वह दावत दे रहा है। तो ध्यान रखने वाली चीजें हैं ये, तो बहुत अच्छी जानकारी है, अमल करिएगा, संज्ञान में रखिएगा, कहीं ना कहीं जीवन में ये चीजें काम ही आती है। हम बड़ी बड़ी मुसीबतों से अपना बचाव खुद कर सकते हैं, जैसे बरसात को हम रोक नहीं सकते हैं किंतु छाता लेकर हम अपना बचाव कर सकते हैं, बस वही चीज है। तो ये चीजें ऐसी बहुत सी चीजें हैं, बहुत सी चीजें पूर्व में भी लाए हैं, आगे को भी आप लोगों के लिए लाते रहेंगे, सिर्फ बात यह कि आप इस पर अमल करें, अपने संज्ञान में रखें। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करिएगा, और नए लोगों से हमेशा हमारा आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। बहुत अच्छी जानकारी है गायत्री ज्योतिष केंद्र की, और हमारी क्या सभी की जानकारी अच्छी होती है ज्योतिष शास्त्र की, जो शास्त्र संबंध होती है, तो सिर्फ बात है हमारे अमल करने की। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।